खबरें विस्तार से। नागपुर के बौद्ध एसोसिएशन राज्य वित्तीय राष्ट्रीय समन्वय समिति की गड़बड़ी द्वारा जारी धन का दीक्षाभूमि सौंदर्यकरण का आरोप लगाया। दीक्षाभूमि पिछले साल 100 करोड़ रुपए की घोषणा की। राज्य दुनिया मानक की विरासत में बदलाव करना चाहिए। 40 करोड़ रुपए की पहली किस्त गुरुवार को दीक्षा भूमि पर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार की ओर से तोहफा दिया गया। रोडवेज हड़तालियों और सरकार की वार्ता विफल होने के बाद कर्मचारियों ने आज हड़ताल 3 दिन और बढ़ाने का ऐलान कर दिया। उस सरकार भी झुकने को तैयार नहीं। सीएम मनोहर लाल ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि निजी बसों का टेंडर किसी भी हालत में रद्द नहीं किया जाएगा। पानीपत जिले के एक ज्वेलरी की दुकान के मालिक पर उसके ही चाचा ने हथौड़ा से जानलेवा हमला किया। आपसी विवाद के चलते चाचा ने अपने भतीजी को तेजाब फेंकने की धमकी देने लगा। आरोपी चाचा की करतूतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो दर्शकों, खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे एमएनएस न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।